Hello student, I Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about modeling and coding. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन देखा था डेटा कंप्रेशन का और उसके टाइप्स देखे थे और आप टाइप थे टू टाइप के, लॉसलेस एंड लॉसी, और आपने देखा था मेजर परफॉर्मेंस. तो जो मेजर परफॉर्मेंस थी वो आप देख चुके हैं. अब हम बात करेंगे डेटा कंप्रेशन में मॉडलिंग एंड कोडिंग की. तो डेटा कंप्रेशन में जो आपकी जो डेटा कंप्रेशन के फेज़ होते हैं वो मॉडल एंड कोडिंग होते हैं. तो जब कभी हम किसी डेटा कंप्रेशन के एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं तो डेटा को दो फेज़ में डिवाइड करते हैं. पहला होता है मॉडलिंग, फर्स्ट फेज मॉडलिंग, सेकंड कोडिंग. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सम ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा डेट नीड टू बी कंप्रेस्ड. अ कंप्रेशन टेक्निक डेट विल वर्क वेल फॉर द कंप्रेशन ऑफ टेक्स्ट मे नॉट वर्क वेल फॉर कंप्रेशिंग इमेजेस. जो आप इस चीज़ में डेटा को पहले किसी भी चीज़ की मॉडलिंग करते हो फिर उसको कोडिंग करते हो, तो ये टेक्स्ट के रूप में ही आप इसको कर सकते हो, इमेजेस में आप ये नहीं कर सकते. तो जो इसकी जो आप किसी टेक्स्ट या एल्गोरिथम में ही इसकी कोडिंग कर सकते हो किसी भी मॉडल की, ठीक है. तो अभी मैं एग्जांपल से आपको दिखाऊंगी तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा. तो द डेवलपमेंट ऑफ डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम फॉर अ वेराइटी ऑफ डेटा कैन बी डिवाइड इंटू टू फेज. फर्स्ट मॉडलिंग. तो मॉडलिंग इन दिस फेज वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी रिडंडेंसी डेट एग्जिस्ट इन द डेटा एंड डिस्क्राइब द रिडंडेंसी इन द फॉर्म ऑफ मॉडल. डेटा को कलेक्ट करते हैं इसी तरह से कि जो भी सिमिलैरिटी यानी कि रिडंडेंसी उसकी सिमिलैरिटी है उसको एक मॉडल की फॉर्म में तैयार करते हैं. मतलब डेटा को सबसे पहले कलेक्ट कर रहे हो स्टैक के फॉर्म में, उसको सिमिलरिटी है उसकी जो भी, उसको मॉडल को मॉडल की फॉर्म में उसको तैयार कर रहे हो. जब डेटा को कलेक्ट करते हो इसी तरह जो भी सिमिलरिटी है उसको एक मॉडल के फॉर्म में उसको तैयार कर लेते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? मॉडलिंग कहलाता है. जैसे मॉडलिंग उसकी डिज़ाइनिंग करना, और आपको किसी भी डेटा आपको मिला है उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि उसकी पूरी प्लानिंग करके उसकी मॉडलिंग तैयार करना, वो आपका क्या कहलाता है? मॉडलिंग. कोडिंग क्या होता है? उसी मॉडल की कोडिंग में कन्वर्ट करो, यानी कि जो मॉडल हम फर्स्ट फेज में मॉडल तैयार किया है उसको सेकंड फेज में डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि बाइनरी डिजिट में कोडिंग करते हैं. किसी भी मॉडल को जो हमने फर्स्ट फेज में तैयार किया उसको सेकंड फेज में, यानी कि उसी मॉडल को हम डिस्क्राइब करते हैं, वो भी किस में? बाइनरी कोड्स में, बाइनरी डिजिट्स में, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कोडिंग की. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द डेटा differ from the model are encoded generally using a binary alphabet. इसमें आप वही कर रहे हो कि उसको डिस्क्राइब कर रहे हो या डिस्क्रिप्शन उसका लिख रहे हो, जो भी आपने मॉडल फर्स्ट फेज में तैयार किया सेकेंड फेज में उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, वो भी आप किस में? बाइंड्री अल्फ़ाबेट में, या बाइंड्री कोडिंग कह सकते हो. द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड मॉडल इज ऑफन रिफर्ड टू एज द रेसिडुअल. तो ये आपको मैंने इसका छोटा सा डिफरेंस बता दिया, एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा. तो देखिए ये एक एग्जांपल है, आपके पास एक मॉडल है. मॉडल मैंने आपको नंबर के फॉर्म में ले रखा है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा. ये जो मैंने नंबर ले रखे हैं ये नंबर हैं 111 है, 4x2 है, 2x3 है. तो इस मॉडल को हम जब तैयार कर रहे हैं, यानी कि हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं ना, कि यानी कि जो वन है हमने वन को वैसे ही लिख दिया, वन हमारे पास कितने टाइम आया है? 3 टाइम, यानी कि वन और उसको लिख दिया 3, वन इज़ हेयर और 3 टाइम्स, ठीक है. तो टू इज़ हेयर और 2 कितने टाइम है? 4 टाइम्स. तो नीचे आप यहाँ लिख रहे हो टू इज़ हेयर, 2 इज़ 4 टाइम, 3 इज़ हेयर, 3 इज़ 2 टाइम, ठीक है. तो हमने एक मॉडल बनाया है जनरली, ये मॉडल था. सबसे पहले आपने इस मॉडल को देखा कि मॉडल आपका कोई नंबर थे, ठीक है, उसको हमने चेंज कर लिया. 1 आपका 3 बार था तो यहाँ पे लिख दिया 1 और 3 टाइम्स. 2 आपका 4 टाइम था तो यहाँ लिख दिया 2 और 4 टाइम्स लिख दिया. 3 आपका था 2 टाइम तो 3 लिया और 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है. तो ये एक मॉडल बनाया. इस मॉडल को आप बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी अल्फ़ाबेट में चेंज करोगे तो वो आपका यूनरी कोड, जो बाइनरी नंबर होते हैं वो यूनरी कोड में चेंज हो जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? कोडिंग. किसी मॉडल को आप
यानी कि फर्स्ट फेज में तैयार करो, सेकंड फेज में उसकी कोडिंग करो, उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हो। किसी भी आप प्रोजेक्ट को बनाते हो तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस हैं वो सारी इकट्ठी करते हो, फिर उसका मॉडल तैयार करते हो, फिर आप उसकी कोडिंग करते हो, टेस्टिंग करते हो, फिर आप उसकी कोडिंग करते हो। तो ये आपका जनरली एक मॉडल हो गया, मॉडल से आप कोड जनरेट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको नंबर्स में दिखाए, नीचे आपको ये दिखाया है, मैं कुछ आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि जब हम कोडिंग करते हैं, यूनिट कोड करते हैं, कुछ इन नंबर से करते हैं। ये हमेशा नंबर ऐसे आते हैं, वन और टू, यानी कि वन में प्लस वन किया तो टू आया, टू में प्लस टू किया तो फोर मिला, फोर में प्लस फोर ऐड किया तो हमें एट मिला, एट में प्लस एट किया तो सिक्सटीन, ये ऐसे नंबर मिलते रहते हैं। वन में प्लस वन ही ऐड किया तो टू, टू में टू ऐड किया तो फोर, फोर में फोर ऐड किया तो एट, एट में एट ऐड किया तो सिक्सटीन, सिक्सटीन में सिक्सटीन ऐड किया सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर में सिक्सटी फोर ऐड किया तो वन ट्वेंटी। इन्हीं नंबर से ही हमारी कोडिंग डिपेंड होती है। तो ये कोडिंग हमने सबसे पहले नंबर वन यानी कि वन की कोडिंग कैसे की है, इनको कोडिंग में चेंज कर लो। जैसे ये आपके पास आया था मॉडल, तो ये जो वन है, वन की कोडिंग हमने कैसे की है, वन लाने के लिए अगर खाली हम वन को ज़ीरो कर दें, ये जो वन है वन को वन दे दें, कुछ इस तरीके से हमने वन को वन दे दिया। और अगर कितने बिट में लिखना है, थ्री बिट में लिखना है, फोर बिट में लिखना है, तो मैंने यहाँ फोर बिट नंबर लिए हैं, ठीक है, तो वन पे वन दे दिया, अदरवाइज़ ये फोर बिट हैं तो तीनों ज़ीरो हो जाएंगे एट तक, ठीक है। अगर आपको ये तो वन की कोडिंग हो गई, और टू, अगर टू को वन देना है तो टू के लिए इसको वन दिया, अदरवाइज़ ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर थ्री के लिए आपको मॉडल तैयार करना है तो थ्री किस से मिलके बनेगा, इसमें थ्री तो है नहीं, वन टू फोर एट है, तो थ्री अगर टू प्लस वन करेंगे तो थ्री मिल जाएगा हमें, यानी कि इस वाले को आप देंगे, इसको आप वन देंगे, इसको वन देंगे, दो टाइम ज़ीरो देंगे, तो ये आपको थ्री मिल गया, वन प्लस टू थ्री मिल गया। अगर फोर आप करेंगे तो फोर तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि फोर इस चार बिट के अंदर आ रहा है, तो आपका फोर कैसे मिलेगा, आपने इसको वन दिया, अदरवाइज़ ये आपके दोनों तीनों ज़ीरो हो गए, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से इसकी कोडिंग करके लिख ली है। इससे फाइव की भी कोडिंग कर सकते हैं, सिक्स की भी कर सकते हैं, सेवन की भी कर सकते हैं, ऐसे हम कोडिंग निकाल सकते हैं आसानी से, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अब हमने इन्हीं कोड से हमने चारों की कोड लिख ली है, क्योंकि हमें सिर्फ फोर तक की ज़रूरत थी, हमें ना फाइव और सिक्स नंबर नहीं आया था। अगर हमें फाइव करना होता तो फोर और एक मिला, फोर और आपका वन मिला के फाइव हो जाता, यानी कि फोर पे वन देते और वन पे वन देते और इन दोनों को ज़ीरो कर देते, तब आपकी ये फाइव की कोड बाइनरी कोड हो जाता। अभी हमें सिर्फ 1324 का बाइनरी कोड चाहिए था, तो हमने वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग करके दिखाई है, देखिए वन की हमने लिया है तो वन का ये कोड है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। थ्री का कोड हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। टू का कोड यहाँ लिखा हुआ, वो निकले कि सब किससे, इससे, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग हो गई, जो ये कोडिंग कहलाती है वो आपकी यूनरी कोडिंग कहलाती है, ठीक है। इसको हम यूनरी कोड के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी उसका मॉडल बना तैयार करते हैं, उस मॉडल का फिर उसकी कोडिंग करते हैं, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन आप करते हो वो यूनरी कोड में करते हो या बाइनरी अल्फ़ाबेट में करते हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, मॉडल एंड कोडिंग, मॉडलिंग एंड कोडिंग। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।